नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है कासगंज से, जहां जनपद में लव जिहाद का मामला सामने आया है। प्रिंस कुरैशी मुस्लिम समुदाय के युवक ने मोनू गुप्ता बनकर एक हिंदू महिला को फेसबुक पर अपने जाल में फंसाकर दोस्ती कर ली और शादी का झांसा देकर कासगंज के गंज डुंडवारा कस्बा में बुला लिया, जहां रेड कलर की कार में महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसका यौन शोषण किया। बाद में समुदाय का पता चलने पर महिला के साथ मारपीट कर दी, लेकिन इलाका पुलिस ने महिला की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की। आज आप यहाँ कोतवाली क्यों आई हैं और क्या है पूरा मामला बताएं? मैं आई FIR दर्ज कराने, कल मैं 3 बजे की आई, यहाँ पे कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं है। किस मामले की क्या है, मामला बताएं? ये प्रिंस कुरैशी मुझसे बात करता था मोनू गुप्ता करके, मेरी बात हो रही थी 4 महीने से, और मैं दिल्ली से आई, बुलाई थी इसने, कल 8 बजे मैं निकली थी परसों, और 3 बजे मुझे बस ने उतार दिया है। उसके बाद इन्हें 5-6 बजे का टाइम था, मैंने टाइम नहीं देखा, इसने मेरा पिकअप किया वहाँ से, इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के इन्हें, फिर एक इनका दोस्त था और ये थे, ये मेरे पीछे बैठे थे और दोस्त इनका गाड़ी चला रहा था, इनको गाड़ी चलाना आता नहीं है। हम लोग बातचीत करते रहे तो इनके घर से आया फ़ोन, तो इन्होंने बोला हाँ अम्मी, तो मैंने कि आप अम्मी किससे बोलते हैं, फिर नहीं मैं प्यार से बोलता हूँ, मैं नहीं अम्मी तो मामडन में बोलते हैं, तेने बोला हाँ मैं हूँ, तो मैंने तुमने मुझसे छिपाया क्यों था, इनने मेरे साथ हाथापाई की ज़बरदस्ती की, फिर इनने कोल्ड ड्रिंक में मुझे कुछ मिला के दिया, ठीक है, इनने मेरे साथ उल्टा सीधा मतलब रेप किया है। तो आप यहाँ आइए, तो आप क्या चाहती हैं? यहाँ पे मैं चाहती हूँ मेरी कार्रवाई होनी चाहिए, और यहाँ कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं है। मैं मेडिकल कराने भी गई थी, रात भर वहाँ हो गई, पूरा दिन हो गया, वहाँ मेरा मेडिकल भी नहीं होने दिया, राजनीति की वजह से मेडिकल नहीं हो रहा है। मंजीषी, आज जो गंडवारा थाने में आए हैं, विरोध कर रहे हैं, आपसे क्या क्यों आना पड़ा गंडवारा थाने में? हमारी एक बहन है जो हिंदू समाज से है, जिसको बहला फुसला कर यहाँ बुलाया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, और उसकी जो लव जिहाद है उसमें संज्ञान में मामला आया है, उसी चक्कर में हम यहाँ किया। कहाँ से मेला करने वाले हैं? मेला का आगरा किया, मुकदमा लिख गया, अभी नहीं लिखा, मुकदमा अभी लिखा जा रहा है, अभी लिखा नहीं गया है, कप्तान साहब आए हुए हैं, 24 घंटा हो गए अभी तक, 24 घंटा हो गए, 24 घंटे बाद अब ये कार्रवाई की। किसी हॉस्पिटल का मामला सामने आया, क्या कुछ मामला रहा? देखिए, एक महिला आई थी कुछ आरोप लगाते हुए, कुछ एक लोग और उनके जो मित्र है उनके ऊपर, और हमने संज्ञान में लिया और मुकदमा भी लिखवा रहे हैं, और कार्रवाई भी, मतलब जो अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी, जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई। सर, ये मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, फिलहाल ऐसे पूछताछ में तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन लड़की का कुछ आरोप है कि उन्होंने कुछ नाम बदला है वगैरह, बट ऐसा कोई अभी तक तो फिलहाल ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है पूछताछ के दौरान, ये सब तो जाँच के विषय है, लेकिन जो भी तथ्य सामने आएंगे तो आपको विदित कराएंगे। खबर आ रही है कुशीनगर से, जहां जनपद के भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आज बैंक ऑफ बड़ौदा की कस्या शाखा के अंतर्गत एक बृहद ऋण मेला का आयोजन कुशीनगर के आइडियल होटल में किया गया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के लखनऊ अंचल के अधिकारी गिरीश कुमार व क्षेत्रीय प्रमुख सर्वेश कुमार सिन्हा के साथ साथ कुशीनगर के जिला कृषि अधिकारी बाबूराम मौर्य व गोरखपुर के क्षेत्रीय महाप्रबंधक संजय कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें जनपद के लगभग 6 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा PM किसान योजना के अंतर्गत सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, फार्म मशीनरी बैंक, कृषि यंत्रीकरण, बीज वितरण, जो भी किसानों के कल्याण के लिए किया जा सकता है भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, और कृषि विभाग या जनपद का प्रशासन उनके सहयोग के लिए तत्पर है, और हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है उनको लाभान्वित करने के लिए। कहीं ना कहीं ये जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं ये देहातों तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसके लिए देहातों के लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह का उपाय किया जा रहा है? हमारे जनपद में जो किसान सहायक के रूप में लगभग 70 कार्मिक हैं, जो कि न्याय पंचायतवार उनको आवंटित किया गया है, वे अपने न्याय पंचायत में जा रहे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रदेश सरकार या भारत सरकार की सारी योजनाएं जो
upagriculture.com जो पोर्टल है उस पर मौजूद है, हमारे किसान भाई उसका लाभ ले सकते हैं देख करके। इसके संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के दिन हमारे प्रदेश पे हमारे जो 14 क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी जगह पे इस तरह के वृद्ध कृषि ऋण का आयोजन किया गया है हमारे बैंक का बड़ा अंचल कार्यालय के द्वारा, और इस मौके पर हमारे महाप्रबंधक कृषि भी आए हुए हैं, वो लखनऊ देहात में उन्होंने अटेंड कर रहे हैं इसी तरह के वृद्ध कृषि ऋण शिविर को पलिया में। मेन उद्देश्य इस कृषि ऋण का आयोजन का यही है कि प्रदेश में कृषि ऋण को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कृषि ऋण में जितना उम्मीद की जा रही है बढ़ोतरी की उतना हो नहीं रहा, तो इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही तत्पर है। इसीलिए हर जिले में कृषि ऋण को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का आयोजन करना, अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए वहाँ के किसानों के बीच में जा करके सभी शाखाओं को बोला भी गया है कि आपने देखा होगा कि ये कार्यक्रम करीब 15 दिनों से हमारा कृषि पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो ये 1 जुलाई से ही चल रहा है, जिसमें सारी शाखाओं को ये निर्देश दिए गए थे अपने क्षेत्र में जितने भी किसानों से आप संपर्क करें और किसानों को जो भी ऋण है, चाहे BKCG के माध्यम से हो, चाहे ट्रैक्टर का हो लोन हो, चाहे फिशरीज के लोन हो, जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इम्प्लीमेंट्स के बारे में हो, फूड एंड एग्रो की इंडस्ट्री के बारे में हो, चाहे छोटा ऋण हो चाहे बड़ा ऋण हो, SHG के लिंकेज के बारे में भी हो, तो मेन उद्देश्य है कि कृषि ऋण कैसे बढ़ाया जाए और ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिया जा सके। आप सभी लोग देख रहे हैं कि कृषि ऋण मेन जो प्रदेश हमारे कृषि प्रधान ये प्रदेश भी है, तो यहाँ पर कुल कितने ग्राहकों को तथा कितना रुपया का ऋण दिया गया है? यहाँ पे करीब हम लोगों ने 25 ग्राहकों को यहाँ पे अभी चेक दिया है अभी साथ में, और टोटल जो हमारे इस क्षेत्र के द्वारा 6.5 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है और 4 करोड़ का डिसबर्समेंट अभी हम लोग कर चुके हैं, तो बाकी भी जो हम लोग डिसबर्समेंट आगे कर देंगे। और पूरे प्रदेश में आज के दिन का हमारा पूरा जो हमारे अंचल प्रमुख का जो लक्ष्य है कि पूरे 100 करोड़ का लोन का डिसबर्समेंट का है एग्रीकल्चर सेक्टर में। खबर आ रही है संभल से, जहां व्यापारी की खड़ी बाइक की डिग्गी तोड़कर बाइक सवारों ने लाख रुपए पर हाथ साफ करते हुए रफू चक्कर हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। आपको बता दें कि ब्रह्म बाजार चंदौसी निवासी अरुण कुमार की परसट्टा बाजार चंदौसी में किराना की दुकान है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या करना हुई आपके साथ में? तगादा लेने आते थे, एक जगह तगादा लेने थे, हमने सामने स्कूटी खड़ी कर दी थी, तो लोग आए पता ना कौन सी जाते हुए टिकट खोल के चले गए। क्या था थैले में? थैले रुपये थे। मैं भी स्कूल में। किसका काम करते हैं आप? किराने का। कहाँ की घटना है ये? काली मंदिर के पास। कहाँ पर है काली मंदिर? तो किशन मीर की दुकान के सामने। दहेजी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ में श्रावण माह का शुभारंभ हो चुका है। आज श्रावण का पहला सोमवार है, जिसको लेकर जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रिजघाट पहुंचे मेरठ जोन ADG राजीव संभरवाल ने होने वाले कांवड़ मेले को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। हापुड़ पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के साथ गंगा नगरी व गंगा घाटों का निरीक्षण करते हुए शिव भक्तों की सुरक्षा में लगाई गई पुलिस व्यवस्था को परखा व सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश दिए। पहुंचे हैं तो किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे मेन चीज जो दो चीज़ें यहाँ पर हैं, लोग यहाँ पर स्नान के लिए और जल लेने के लिए आते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था, और अब की बार पहली बार फ्लोटर्स भी लगाए गए हैं ताकि जो जल के अंदर बैरिकेडिंग लगी है ताकि कोई जल में ज़्यादा गहराई में ना जा पाए, तो बैरिकेडिंग के बाद ये फ्लोटर्स एक तरह से दूसरे बैरियर का काम करेंगे। इसके साथ साथ हमारी जल पुलिस की टुकड़ी भी है यहाँ पर, और हमने लोकल गोताखोर भी लिए हैं, जो कि यदि कोई किसी प्रकार का कोई किसी का पाँव स्लिप कर जाए या कहीं गहराई में चला जाए तो उसको वहाँ से निकालने में फ़ायदेमंद होगा। इसके अतिरिक्त जो बाकी सब व्यवस्थाएँ हैं, वो जो कांवड़ यात्री हैं हमारे, वो सुविधापूर्वक यहाँ पर आएँ, यहाँ से जल लें, अपने जो कार्यक्रम हम वो करें और उसके बाद वापस अपने गंतव्य पर जा पाएँ, इसके लिए जगह जगह पर फोर्स की तैनाती की गई है, और प्लस ऐसे रूट्स उनके लिए मार्क किए गए जहाँ पर उनके साथ कोई हादसा न होने पाए। इसके अतिरिक्त जो हमारी घाटों की एंटी सबोटाइज चेक है, बाकी जो हमारी टीमें हैं जो सादे में लगी रहेंगी, पब्लिक के साथ हमारे कुछ हमने स्पेशल पब्लिक वाले भी अपने साथ रखे हैं, जो इधर उधर सब लोग किसी की भी कोई समस्या है उसके लिए हमारा कंट्रोल रूम है जहाँ पर वो जाकर लोगों को बता सकते हैं, तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था, और इस तरह से जनपद पुलिस ने काफ़ी अच्छा कार्य इसमें इंतजाम किया।
खबर आ रही है झारखंड से, जहां बोकारो परिसदन जदयू प्रदेश द्वारा युवा संवाद सह कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में जनता दल यूनाइटेड के बोकारो जिला अध्यक्ष प्रदीप महतो ने कहा कि बोकारो में युवा संगठन को मजबूत किया जाए और गांव-गांव घूम-घूमकर सभी समस्याओं का समाधान किया जाए, झारखंड में भी युवा नीति को लागू किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के कहने पर मैं युवा संवाद कार्यक्रम के तहत झारखंड के प्रत्येक जिलों में दौरा कर रहा हूं, अपने पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए, युवाओं से संवाद करने के लिए कि जो निष्क्रिय पड़े हैं युवा उनको सक्रिय करने के लिए, पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा मूलवासी आदिवासी अन्यवासी युवाओं को जोड़ने के लिए और युवाओं के हक की आवाज़ बनने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय जो वादा किया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे और किसी को नहीं मिला, उनकी आवाज़ बनने के लिए और आंदोलन करने के लिए मैं प्रत्येक जिला में जा रहा हूं और युवाओं को अपने पार्टी से जोड़ रहा हूं और उनके हक की आवाज़ लड़ाई बनूंगा और आने वाले समय में युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करूँगा कि आप नौकरी बोले थे देने के लिए, हम लोगों को नौकरी दे। आप दोबारा युवा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या रहेगा आप रणनीति जिससे कि जदयू झारखंड में मजबूत हो? सबसे पहले तो बेरोजगारी, दूसरा झारखंड में युवा नीति लागू हो, तीसरा बिहार के तर्ज पर यहाँ भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिले, चौथा 12वीं पास युवाओं को जो बिहार सरकार 10 लाख रुपया दे रही है उसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी और 5 लाख रुपया 1% ब्याज के दर पर दे रही है, मैं भी यहाँ वो नियम लागू करना चाहता हूँ, लागू करवाना चाहता हूँ। निर्मल जी का आगमन बोकारो की धरती में दूसरी बार हो गई है, उसके पहले भी आ चुके हैं, जन समस्याएं यहाँ तो बहुत सारी हैं और ये युवा संवाद कार्यक्रम के तहत ही यहाँ आ रहे हैं, बोकारो पूरा भ्रमण कर रहे हैं युवा को जोड़ने के पर्पज से ही। युवा का अभी यहाँ पे बोकारो जिला अध्यक्ष युवा का नहीं बने हैं, उन पर भी इन पर विशेष फोकस है कि जमीनी स्तर से लेके युवा को उभारना है और युवा का जो समस्या है, जन समस्या है, उसको कैसे हम निर्वाह करेंगे उस पर लेके ये फोकस करते हुए सारी बातों इन्होंने अपनी कह दी। यहाँ पे बोकारो में हमारा बहुत सारा समस्या है, जान ही रहे हैं आप लोग। प्रथम तो यहाँ प्लांट का जो जितने भी आश्रित हैं उनको अभी तक तो नियम से वंचित हैं। दूसरा प्लांट आए दिन समस्या होते आ रही है, कुछ ना कुछ घटना घटते जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे अभी अप्रेंटिस से भी बात करके विस्थापित अभी कोई उन लोग अभी तक रोजगार नहीं हुआ, उस पर भी उन लोगों ने आंदोलन बहुत ज़्यादा किया है, तो हम लोग उस पर भी फोकस कर रहे हैं कि कैसे उन लोग को नियोजन दृष्टि से और नियोजन कैसे उन लोग को सुविधा हो, ये हम लोग प्रयास करेंगे। उसके लिए जहाँ तक जाना होगा आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी, आंदोलन करेंगे हम लोग। वो जो जन समस्या है, बृहद सेक्टर की जो स्थिति है, आए दिन जो रोड जो आपका है, चाहे सड़क है, पानी बिजली की जो समस्या है यहाँ पर सेक्टर की, कहीं ना कहीं कुछ कुछ होते रहती है, तो उस सब पर भी विशेष प्रबंधन पर फोकस करना चाहिए। खबर आ रही है लखनऊ से, जहां नगराम थाना क्षेत्र के समेसी में तांत्रिक की हत्या कर दी गई, त्रिशूल से काट कर उसे मौत की घाट उतारा गया। घटना स्थल से खून से सना हुआ त्रिशूल बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज सुबह थाना नगराम पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सलीमपुर अटेरिया में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। सूचना पे पुलिस रेड की और ऑन द स्पॉट विजिट किया SHO नगराम ने, तो ये पाया कि राजेश रावत नाम के एक पूजा पाठ करने वाले पुजारी की कार्य करने वाले व्यक्ति की सिर पे चढ़ के हत्या की गई है। तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, शीघ्र ही इसका पर्दाफाश किया जाएगा। खबर आ रही है हरदोई से, जहां पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 11 बाइक बरामद किए हैं। ये बाइक चोर दिल्ली, अलीगढ़, कानपुर, फरुखाबाद और हरदोई आदि जगहों से बाइक चुरा कर उनके पार्ट्स निकालकर बेच दिया करते थे। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरदोई की मधौगंज और बघौली पुलिस ने चोरों के 2 गिरोह का पर्दाफाश किया है। खबर आ रही है झारखंड से, जहां रांची जिला के सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र में तेतला पंचायत के बलवाडी गांव में सुखदेव कोइरी का
घर में रात के अंधेरे में जंगली हाथी ने घर में घुसकर आतंक मचाया। सूचना मिलते ही हमारे न्यूज चैनल की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम लोहरा। आज सुनातू प्रखंड का बोलवाड़ी गांव में आए हैं। अक्सर इस क्षेत्र में देखा जाता है कि हाथी का आतंक इस तरह से मचाता है कि जनता यहां का जो जनता है वो बहुत सारा दहशत में रहता है। इसके लिए वन विभाग को भी हर बार अवगत कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी वन विभाग कुछ नहीं करती है। पिछले दिन भी आप दिखा, हम लोग चैनल के माध्यम से दिखाए थे कि लगातार ग्रामीण का और मतलब जनता का क्षतिपूर्ति बहुत ज़्यादा हो गया था इसके हाथी के कारण। कुछ व्यक्ति का जान भी जा चुकी है, उसके बावजूद भी वन विभाग इसमें कुछ मतलब कहने के लिए मुकर रहा है। आइए हम लोग सीधे दिखाते हैं कि किस तरह से इस घर वाला का क्षति किया गया है। देखिए, रात का अंधेरा था, करीब 1 या 2 बजे जैसा एक, हाँ, और यहाँ से जो हाथी घुसा है, देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से क्षतिपूर्ति किया है। इनका मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल गिरा दिया गया है। कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा सा आगे आएँ और ये देखिए अदृश्य जो है, इनका जो अलमारी है वो गिरा दिया गया है। और यहाँ पर अंधेरे की वजह से और दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर क्षतिपूर्ति कर दिया गया है। हम कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा सा इधर भी आने का और दिखाने का कृपया करें। इस जगह में इन लोगों का परिवार रात के अंधेरे में सो रही थी और अचानक ही हाथियों ने हमला कर दिया। किसी भी तरह ये लोग जान बचा के अपना किसी जगह पे छुपे हुए थे और लगातार ऐसे ही सूचना, ऐसे ही दृश्य देखने के लिए मिलता है सुनातू प्रखंड क्षेत्र में। और यहाँ का जो वन विभाग का जो टीम है वो चुप्पी सी रहती है और ना ही कुछ करने के लिए तैयार रहती है। अक्सर देखा जाता है कि इसी हाथी के आतंक की वजह से बहुत सारा ग्रामीणों का जान जा चुका है, बहुत सारा आदमी का क्षति भी हो चुका है। हम कहाँ के लोग हो? अरे सीधे कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा सा इधर आ जाएं। उन घर का सदस्य जो है उनसे ले चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ मामला हुआ रात के अंधेरे में। क्या हो लोग तो संगे रात 1 बजे के आसपास रही बाधे टाइम टेक फिस्ट कर ली। हाथी अलग ना बाहर ले झुड़ झाड़ मैंने आवाज़ दे लगलक, आवाज़ देते रहे तकर बाद मैंने हमारे ओकर कुछ 10 मिनट अगुए बाहर आ चुकी रही। अच्छा। और बाहर कौन समय रही हमारे जागले रही, आवाज़ जखन सुन ली तखन परिवार के कहली जगाली और कहली कि अरे बाबू हाथी है ना बाहर आबा के चुपचाप रहबा। और तकर बाद मैंने ना टाटी के पूरा मारे लगले, टाटी मारत के खोला गल, खोलाल बाद मैंने एकटा रूम खोला लग, रूम टाले चौकी रही, चौकी टाके टानी कौन बाहर लेन लुगा कपड़ा बाहर लन प्याज उज रही आलू रही खाक्सा उक्सा रही सब्जी हरा सब्जी मानू रही तो उड़ला को बाहर आए कौन गोटाई सब डेचकी उचकी रही सबके सब्जी मानू रही तो उड़ला को बाहर आए कौन गोटाई सब डेचकी उचकी रही सबके उठाए बर्बाद कर लेन। और ऊ दुआर टल लगाए कौन दूसरा दुआर माने उटा को मार लेन और मारी कौन एक हाथी घर समाय गल उटा माने हमारे कर बड़ो परिवार माने बड़ो लड़का और बहरिया रहन पलंग माने तो पलंग टाको माने गुंदी कौन चेपा कर लेन पेंदा संभालन पलंग के। और तकर बाद माने गाँव वाला के डाकली फोन कर मध्यम माने तेंतला टुंगरिया वाला आलन और हमारे बुलवाड़ी के गाँव के लोग आलन ट्रैक्टर लेकर और हाथी के भाग आलन। अच्छा, माने एखन ले फॉरेस्टर के सूचना मुखिया के डाकाय रही, मुखिया के कहल कि मैं फॉरेस्टर संगे बात कर लो, कहल 10 बजे आई कहल फॉरेस्टर का आश्वासन दिल के मैंने आय कौन छानबीन करम कहल कि कौन आय कौन छानबीन करम देखवाम कहे। तो आप देख सकते हैं 10 बजे 10 बजे का इनको मोहलत दिया गया है, आके उन लोग देखेंगे छानबीन करेंगे उनके बाद क्या प्रोसेस होता है, हम क्षतिपूर्ति पूरा करने का कोशिश करेंगे ऐसे इनको आश्वासन दे दिया गया है। अक्सर इस क्षेत्र में हाथी का आतंक लगातार मतलब देखने को मिलता है और इस वजह से यहाँ का जो ग्रामीण है बहुत सारा दहशत में है। हम लोग के साथ और भी ग्रामीण उपस्थित हैं, इनसे भी जानते हैं क्या लगातार ऐसे ही होते रहता है, क्या मतलब ऐसा लगातार होते रहता है? हाँ, अभी हम लोग के क्षेत्र में तो लगातार होते रहता है। हर गांव में हाथी आकर के उत्पात कर रहा है, हर चीज़ को खोती कर रहा है, पूरा नुकसान कर रहा है, खेती बाड़ी को भी नुकसान कर रहा है, घर को भी नुकसान कर रहा है। आदमी बाल बाल में बच गया, यहाँ पर हम लोग देख करके तरस खा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार आन लोग लाइट फॉरेस्ट रेशन कर आने ला घर लेके घुरा ला मैंने लाइट लाइट फाइट बम फटका हमारे 200 टका महान हमारे का जीवन टा गुचा भी किया। लेकिन कहल जाए लेकिन हर गांव में एक टा बन के रिहा हुआ है। हाँ, कोनो एक टा कोनो देखबे नहीं करेला यहाँ हमारे के। तो देख सकते हैं कैसे ग्रामीण का आक्रोश है और आज सारा दिन हमारे यहाँ तो हाथी रोबे करेला। हाँ, तार बाद क्या करवा है वैसे
बाँची के हमरे मने रोहिला ओसने बाँची लाइक पेटे जलाए तो छुआ पुता के तो हमरे के देखे होई ना देखले तो उपाय नहीं हमरे हमरे तो नौकरी ना आई झोंकरी ना आई हमरे खेती के महान खाई ला कोरी कुराए के तो उठाई हमरे के खेती करत के घर दुआर सबे हमरे के इस कोरी देन ला। देख सकते वन विभाग के कैसे नाराजगी जताया जा रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार ऐसे होता है और होते जा रहा है। वन विभाग की तरफ से कुछ भी नहीं किया जाता है, कुछ भी फटाका लाइट टॉर्च वगैरह देता नहीं है, वो आता है और खुद लेकर चल जाता है। तो क्या इसी तरह से सनातन प्रखंड क्षेत्र का जो जनता है पीड़ित होते रहेगा? ये एक बहुत बड़ी सवाल है, हम सीधे इस सवाल को पूछेंगे फॉरेस्टर को। और मैं कैमरामैन सॉरी खबर आ रही है झारखंड के बुड्डू अनुमंडल क्षेत्र से, जहां सरकारी स्कूल का विधि व्यवस्था देखते हुए राजू पुराण ने अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा देने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि जो बच्चा चाहता है कि उसका भविष्य उज्जवल हो वो बच्चा हमारे क्लास में आ सकता है, बिल्कुल फ्री, कोई भी फीस इसकी नहीं लगेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज 24 और मैं हूँ आपके साथ गौतम लोहरा। आज हम लोग रांची जिला के सोनाहतु प्रखंड क्षेत्र के दुलमी गांव में उपस्थित हैं और हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं जिनका नाम है राजकुमार पुराण। और ये लगातार इस गांव का नहीं, इस प्रखंड का जितना भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का काम करते हैं और ये एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, तो इनसे सीधे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इनका दिमाग में कैसे आया और कैसे ये सोचे कि अपना बच्चा जो है क्षेत्र का उसको सुधारते हुए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका टाइम टीवी न्यूज 24 में। सर एक क्वेश्चन ये है कि आपको दिमाग में आया कैसे और कोचिंग सेंटर चलाने के लिए? सबसे पहले मैंने रांची में कोचिंग क्लासेस चलाता था, यही RKP क्लासेस के नाम से जी। तो बीच में जब 2020 में लॉकडाउन लगी तो फिर लॉकडाउन में सारा कोचिंग क्लासेस जब रांची में बंद हो गया तो फिर मैं गांव में आया, तो गांव में देखा कुछ दिन तक जब वहां क्लासेस बंद पड़ी हुई थी तो देखा कि यहां बच्चा भटक रहे थे इधर उधर, तो कुछ कुछ बच्चा लोग इधर उधर घूम रहे थे, तो कुछ बच्चा को मैंने बुला के पूछा, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा, तो बच्चा 8 क्लास का बच्चा एकदम नहीं बता पाया, 7-8 क्लास का बच्चा एकदम नर्सरी का चीज़ नहीं बता पा रहा है। तो मेरा दिमाग में आया क्यों ना हम ऐसे भी बैठे हुए हैं अभी लॉकडाउन में, तो क्यों ना बैठ के ट्यूशन बच्चा लोग को पढ़ाया जाए। तो यही सोच के मैंने जब पढ़ाने लगा तो कुछ कुछ बच्चा 2-3 बच्चा शुरुआत में आने लगी और आने लगी तो देखा कि सभी बच्चा लोग शुरुआत में एकदम अल्फ़ाबेट तक भी अच्छा से नहीं आ रहा है 7-8 क्लास का बच्चा लोग को, तो दिमाग में आया कि क्यों ना हम सारा जितना भी मेरा बोरिया बिस्तर है रांची वाला सब हम उठा के यहाँ गांव लेकर आए और एक दिमाग में सेट कर लिया कि नहीं अब गांव का बच्चा को शिक्षित करना है तो करना है, चाहे गाँव का बच्चा पैसा दे पाए या ना दे पाए। शुरुआत में तो 2-3 करते करते धीरे धीरे गाँव का बच्चा धीरे धीरे अभी इतना बच्चा हो गया कि हमको सोचना पड़ रहा है कैसे बच्चा को हम कहाँ बैठाएँ। अभी मेरे पास लगभग कैपेसिटी है लगभग 400 बच्चा को बैठाने का, लेकिन तो पर भी हम उतना बच्चा 300 बच्चा लगभग मेरे पास अभी है, 300 प्लस बच्चा, लेकिन हम उतना बच्चा लोग को भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे। हम लोग यहाँ अभी लगभग 4-5 टीचर हैं जो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग बच्चा लोग को लगभग 150 बच्चा लोग को हम लोग ऐसे फ्री में लगभग शिक्षा देते हैं। हम लोग किसी बच्चा को फोर्स नहीं करते हैं कि पैसा के लिए, लेकिन पढ़ो, पैसा के लिए पढ़ाई नहीं छोड़ना है, क्या कि सरकारी स्कूल का अभी जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए हम लोग बच्चा लोग को सोचते हैं कि एक अच्छा जो अच्छा नींव मिलना चाहिए बच्चा लोग को जो शुरुआती में, वो अच्छा नींव मिल जाएगा तो आगे बच्चा अपने कर लेगा। तो यही सोच को लेकर हम लोग यहाँ गांव में ये कोचिंग क्लास चलाने का शुरू किए। सर मैक्सिमम कितना फीस लेते हैं मान के चले? ऐसे हम लोग मिनिमम फीस 1-5 क्लास 100 रुपया रखे हैं और उसके आगे 150 रुपया अभी फिलहाल रखे हैं फीस। तो हमारे साथ वो बच्चा लोग जुड़ चुके हैं जो यहाँ से टॉपर कर चुके हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से कि क्या सरकारी स्कूल का विधि व्यवस्था है और यहाँ का विधि व्यवस्था। क्या नाम है आपका? बजरंग पुराण। आपको सरकारी स्कूल और यहाँ में क्या फर्क दिखाई दिया? एक प्रकार से हम बोले तो सरकारी स्कूल और यहाँ में बहुत ही डिफरेंट दिखाई दिया जी। क्योंकि जब मैं पहले तो मैं भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा था, 5 क्लास तक पढ़े थे बस, उस समय थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाई होता था, लेकिन आजकल की दिन में बिल्कुल ही सरकारी स्कूल की बात करें तो वहाँ बहुत ही पढ़ाई से लेकर बहुत कुछ घटिया काम हो रहा है। जैसे पढ़ाई के लिए बहुत टीचर भी हैं लेकिन वे सही समय से आते नहीं हैं, सही समय से आए भी पर वे अच्छा से क्लास भी नहीं ले पाते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है मेरा जो ये 90+ आने का, अगर मैं RKP क्लास ज्वाइन नहीं करता तो शायद मेरा ये रिजल्ट नहीं आता। देखिए
सरकारी स्कूल के विधि व्यवस्था क्या है? झारखंड का शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से हम बोलना चाहेंगे, आप डंका पीटना बंद कीजिए, क्योंकि यहाँ का युवा जो है ना, इनका पास हुनर का कमी नहीं है, चाहे शिक्षा के लेके बोलिए या रोजगार के लेके बोलिए, फिर भी आप हमेशा डंका पीट पीट के बोलते हैं कि हम इतना शिक्षक नियुक्ति कर दिए। अरे भैया, पहले आप अपना ये देखिए कि सरकारी स्कूल का कभी विधि व्यवस्था देखिए क्या है। अभी का जो स्थिति है सरकारी स्कूल का, वो पिछले दिन भी हम दिखा चुके थे और लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी हैं जो जुड़ चुकी। कितना बच्चा टॉपर किए हैं अभी तक? अभी तक इस बार लगभग 30+ बच्चा बोर्ड दिए थे, और हमको लगता है जहाँ तक एक बच्चा सेकेंड क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, और 90% से अब लगभग 6 स्टूडेंट यहाँ से मार्क्स लेके आए हैं जी। आपका कोचिंग क्लास का क्या नाम है सर? RKP क्लासेस। आप नहीं चाहते हैं कि क्षेत्र के सभी बच्चा यहाँ पर आके पढ़े और अपना भविष्य बनाए? क्योंकि अक्सर देखा जाता है सरकारी स्कूल में तो बच्चा का भविष्य के साथ खिलवाड़ होते जा रहा है। सर, हम लोग तो सोच रहे हैं कि सभी बच्चा आ जाए। हम लोग का ये दुलमी पंचायत बहुत बड़ा है, लगभग दुलमी पंचायत में 13 वार्ड हैं और इसमें लगभग 7 गांव हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि सभी गांव के बच्चा आके क्लास करे। जब तक उन लोग आएंगे नहीं तो हम लोग उसको अच्छा चीज़ नहीं दे पाएंगे, उसके लिए उसको आना पड़ेगा यहाँ। बीते दिन आपका इस कोचिंग क्लास से कितना टॉपर किए हैं? बीते दिन अभी लगभग 2-3 बच्चा हम यहाँ से जॉब में भी भेज चुके हैं, यहाँ से एक NACL में भेजे हैं जो आप दिख रहे हैं लगा हुआ है, और एक SSC GD में एक बच्चा यहाँ से गांव से अभी दो साल पूरा अभी नहीं हो रहा है ये क्लास, और लगभग यहाँ लगभग 30 बच्चा लगभग बोर्ड दिए थे इस बार। अभी तो नया है तो अभी उतना बच्चा जाने नहीं, लेकिन 30 में हमको लग रहा है सभी के सभी फर्स्ट क्लास किए हैं, और लगभग 90% एवब लगभग 6-7 बच्चा हैं यहाँ से। तो ये थे हमारे साथ इस कोचिंग सेंटर का टीचर और कुछ बच्चा जो टॉपर किए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है सरकारी स्कूल की विधि व्यवस्था और क्या है यहाँ का विधि व्यवस्था, यहाँ उन लोगों को क्या शिक्षा मिल रहा था, सरकारी स्कूल में क्या शिक्षा मिल रहा था। क्या नाम है आपका? रोमा कुमारी। आपको मतलब यहाँ पे जो आपको शिक्षा दिया जा रहा है उसमें सरकारी स्कूल की शिक्षा में क्या फ़र्क था? कट कीजिए। खबर आ रही है झारखंड से, जहां मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला कमेटी के द्वारा परिसदन में बैठक की गई, जिसमें आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, साथ ही साथ सरकार के कार्यों क्रियाकलापों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर के चर्चा की गई। आज बोकारो जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी ने अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच सरकार की जो भी लाभान्वित योजनाएं हैं उस बारे में बात की गई। थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ, बताया जाए। आज के जिला कमेटी के बैठक में आप सभी प्रेस बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं। और आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला समिति की ओर से महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जिसमें हमारे पार्टी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा 2024 के चुनाव को लेकर के सारे बिंदुओं पर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, और जो सरकार का जो कार्य क्रियाकलाप है, सरकार जिस तरह से काम कर रही है राज्य में जनहित में, और सारे चीज़ों पर हम लोग को जनता के बीच जाकर के सरकार के उपलब्धि को गिनाने के लिए आज की हम लोग बैठक आयोजित किए हैं। हमारे बैठक में निर्णय हुआ है पंचायत स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और प्रखंड के अध्यक्ष सचिव को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द हम लोग पंचायत कमेटी का गठन करते हुए बूथ कमेटी का गठन करेंगे, और सरकार के द्वारा जो राज्य हित में काम किया जा रहा है सारे योजनाओं का आकलन करेंगे कि गांव में जो सरकार स्कीमें चला रही है उस सरकार के अधिकारियों के द्वारा उस पर कितना अमल करते हुए गांव के लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार का चिंतन है, मंथन है, यह प्रत्येक सरकारी योजना को हम लोग गांव के एक एक व्यक्ति तक लाभ मिले इसको लेकर सरकार गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा
राज्य के हित में कई निर्णय ले रहे हैं, स्कीम ला रहे हैं, वैसे योजनाओं को धरातल में उतारने के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता किस रूप में काम करेंगे उसको लेकर हम लोग आज बैठक किए हुए हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है, पंचायत से लेकर के प्रखंड के अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि सरकार के योजनाओं को अब विभिन्न गांवों में, पंचायतों में, धरातल में उतारने का काम करेंगे। अब क्योंकि सरकार का तो ये थे इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।